जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, आज आपको विशेष एक चीज़ बताते हैं। शिवरात्रि पर वैसे तो भोलेनाथ को जो भी अर्पित कर दें वो कम है। एकमात्र दिन और एकमात्र ऐसी रात्रि होती है जिसमें 24 घंटे के अंदर हम कभी भी शिव का अभिषेक कर सकते हैं। 24 घंटे उनके ऊपर हम कुछ भी सामग्री चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कर देते हैं। एकमात्र शिवरात्रि की रात्रि के चारों पहर में हम शिव पूजन करते हैं। वैसे तो इस दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। वैसे इस दिन गुड़ के शिवलिंग का भी पूजन होता है। वैसे इस दिन बर्फ से बने शिवलिंग बाबा बर्फानी का भी अभिषेक किया जाता है। और अगर आपको कुछ भी ना मिले ना, तो आप अपने स्वयं के अंगूठे का भी शिवलिंग बनाकर उस दिन पूजन कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हिंदुओं को बहुत सारी ऐसी सहूलियतें दी गई हैं जिसमें वो अपने आराध्य का पूजन बिना किसी सामग्री या बिना किसी चीज़ के होते हुए भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसका फल प्राप्त हो सकता है। पता था आपको ये बात? नहीं तो चलो, अभी बहुत सारी रोचक बातें बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। शिवरात्रि पर हम भोलेनाथ को बहुत सारी चीज़ों का अभिषेक करते हैं, दूध, दही, शक्करा। लेकिन क्या आप ऐसी दुर्लभ चीज़ों से अभिषेक करते हो? कभी किया है? नहीं किया, इस बार करना और फिर देखना क्या फल मिलता है। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को जो पहली दुर्लभ चीज़ जिसका अभिषेक ज़रूर करना चाहिए वो होता है गन्ने का रस। गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करने से महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि पर अगर आप केवड़े के जल से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो इससे आपके वंश में वृद्धि होती है। अगर शिवरात्रि के दिन आप भोलेनाथ के ऊपर 7 नदियों के जल को मिलाकर उससे अभिषेक करते हैं तो ऐसा करने से आपके कुल दोष दूर हो जाते हैं। अगर मिट्टी के पात्र के अंदर 9 रतन डालकर उससे आप भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो ऐसा करने से आपका काल सर्प दोष, पितृ दोष और आपकी कुंडली में बैठा चांडाल दोष खत्म हो जाता है। अगर आज के दिन आप आटे का एक पिंड बनाकर उसके ऊपर लाल चावल रखकर उसे आप पानी के अंदर डालकर इससे आप शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करते हैं तो इससे आपका मंगल शांत हो जाता है। अगर आज के दिन आप बेल के फल का रस निकाल के भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक करते हैं तो इससे आपकी सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। अगर आज के दिन आप भोलेनाथ के ऊपर भस्म से अभिषेक करते हैं तो इससे आपके शत्रु समाप्त हो जाते हैं। अगर आज के दिन दुर्वा के रस से, घास होती है ना, दुर्वा के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की होती है, आपको प्रगति मिलती है। पता था ये सब? नहीं ना, तो चलो अब पता कर लिया। ज़रूर करिएगा और इसका जो भी इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर आए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।